जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मनाहिल फातिमा उम्मे अबीहा का जो सबक है ना, वो दो लफ्ज़ आगे वाले हैं, हम इसे भी सुनेंगे। ये पेन कुरान की मदद से पढ़ती है, डेली पेन कुरान के पीछे पीछे पढ़ के फिर ये हमें सबक सुनाती है। ये इसकी सुबह की मॉर्निंग क्लास है। वीडियो को लास्ट तक देखें कैसे पढ़ती है, इसको आता है सबक या नहीं आता, ये हम अभी आपको दिखाते हैं। हाँ जी मनाहिल फातिमा, आपको सबक आता है या नहीं आता आज का? आता है, अगर भूला तो डंडे पड़ जाएँ, नक्शा डंडे पड़ जाएँ फिर अगर। ठीक है चलो जी, फिर आप पढ़ के सुनाओ। एक मिनट, कौन सा सब? हाँ ये वाला पहले। माशाल्लाह, ठीक पढ़ा है, ऊंची आवाज में पढ़ो ना। लाम जबर ला, ऐन जबर आ, नून जबर ना, ला आना। हाँ ला आना। एक दफ़ा हम पेन कुरान से तुम्हें दोबारा सुना देते हैं ताकि आपको दोबारा रिपीट हो जाए। ये देखो ये जो लफज है ना, पहला लफज इस पे लगाएंगे, फिंगर रखो, फिंगर रखो, फिंगर। अभी दूसरा भी सुन लो एक दफ़ा, फिर अगला सबक पढ़ेंगे। माशाल्लाह। चलो जी अभी अगला सबक सुन पढ़ो इसके पीछे पीछे। ये देखो ये फिंगर लगाई, एक फिंगर रखो ना, मीम जबर मा रा जबर रा जीम जबर जा मारा जा, यही लफज है। फिर नोक दो, फिर पढ़ो पीछे कैसे। मीम जबर शाबाश, इससे अगला सबक क्या है? नून जबर न, फिंगर रखो, नून जबर ना बा जबर बा ना बा, नून जबर ना बा जबर बा ना बा जा जबर जा ना बा जा ना बा जा। एक दो फिर सुन लो पेन कुरान की मदद से, नून जबर ना फिंगर रखो, बा जबर बा ना बा जा जबर जा ना बा जा। हाँ कैसे पढ़ो अभी, नून जबर ना बा जबर बा जा जबर जा ना जा ना बा जा माशाल्लाह। ये आपके दो लफ्ज़ हैं आज के सबक, सिर्फ महाराजा और नाबाजा। ठीक है तो इंशाल्लाह ये आपसे कल सुने जाएंगे। अभी आप इसको 5-7 मिनट पढ़ो, अगर कहीं से भूलता है तो हमें फिर बताओ, हम फिर आपको याद करा देंगे दोबारा। ठीक है जी मनाहिल फातिमा, उम्मे भैया सुबह सबक पढ़ेगी अच्छे से। इसी तरह हो जाता है कभी कभी। ठीक है फिर, ओके अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को क्लोज़ करते हैं। पापा।